नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं ओंकार झा। अब मैं अभी मैंने जिला परिषद मंजू देवी का इंटरव्यू लिया था, उनके प्रतिनिधि जी से बात किए थे, अब उनके समर्थक से बात करते हैं कि वो ग्राम में क्या क्या विकास हुआ है, इस पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है, इस बारे में जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं जो उनके समर्थक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार साह हुआ। अमित जी, आप एक मुखिया, मतलब जो जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, आप उनके पुत्र भी हैं और एक समर्थक भी हैं। जी सर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मेरा पापा 20-25 साल से राजनीति कर रहे हैं और पापा मेरा मुखिया भी रह चुका, मामी पंचायत समिति रह चुका। विकास की जहां तक बात रहा तो सबसे पहले हमारे गांव में रोड मुरली चौक से लतरा तक जाने का रोड नहीं था, व्यवस्था नहीं था, और रोड बनवाने का काम किया मेरा पापा। उसके बाद सबसे पहले सोलर प्लेट का लगाने का काम किया, हर पंचायत में 10 पंचायत में सोलर प्लेट लगाने का काम किया है। और सबसे और महत्वपूर्ण चीज ये है कि घर घर जाके हम हर पंचायत में पेंशन का भी काम किए हमने, और अपने से हम अपने पंचायत में एक लमसम 200-300 का पेंशन बनाने का काम किया। और जीतने के बाद जिला परिषद जिसे हम जीतेंगे उसके बाद हर पंचायत में जनता दरबार लगेगा और हर जनता की समस्या का निदान होगा। क्या लग रहा है इस बार? इस बार ऐसा लग रहा है कि जिस सबसे पहले कि माहौल इस बार इतना क्रिएट हुआ है कि बहुत ज्यादा पब्लिक हमारे साथ है। और नॉमिनेशन देने के लिए जब हम लोग गए थे लमसम 2000 प्लस पब्लिक हमारे साथ गए थे और बहुत दमदार नॉमिनेशन हुआ। मतलब इस बार जीत सुनिश्चित है? जीत तो हर हमेशा निश्चित ही होगा सर। निश्चित होगा जी सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुलिस कुमार था, मुरली। आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं? जी सर। आप ये बताएं, आप ग्राम में रहते हैं, पंचायत के लोगों से मिलते भी हैं, यहाँ पे पूर्व मुखिया हमारे सुबोध साहू जी हैं, थे, जो इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं जो कहना चाहूँगा, मेरे साथ साथ जो पब्लिक मांग है, पब्लिक का मांग के अनुसार मेरे जिला परिषद जो फील्ड में उतरे हुए हैं वो पब्लिक के मांग थे। पब्लिक के मांग थे। और क्या लग रहा है उनका, मतलब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? पब्लिक के बीच में जो जा रहे हैं सर, उसका मांग पब्लिक का कहना हुआ, अभी तक में जो जिला परिषद रंगा प्रखंड में चाहिए था वो नहीं था। और इस बार जो जोर शोर का हर पब्लिक का मांग है कि मेरा मन की बातें जो होनी चाहिए वो हो रहा है। तो इस बार समर्थन में है? समर्थन में है। और जो इस बार बहुत अच्छा खासा वोट से हम लोग जिला परिषद की चुनाव जीतेंगे। आप किनको समर्थन कर रहे हैं? मैं सुबोध साहू को समर्थन कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहा है? बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम किए हैं? किए हैं और करेगा। वृद्धा पेंशन मिला है? जी हाँ। आवास वगैरह मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आवास एक मुद्दा है, वो इनके हाथ में नहीं, मुखिया के हाथ में आता है। लेकिन आप इनके काम से संतुष्ट हैं? पहले ये मुखिया थे और इस समाज सेवी भी हैं, समाज में काम भी कर रहे हैं। जी हाँ। तो क्या लग रहा है इनका चुनावी लहर कैसा है? चुनाव ठीक है। ठीक है हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रिपक कुमार साह हुआ, हम ग्राम पंचायत मुरली से हैं और युवा अध्यक्ष भी हम प्रखंड रंगड़ा से हैं। ठीक है। और जहाँ तक मेरा युवा का सहयोग है, पूरा रंगड़ा प्रखंड का युवा सहयोग में है और लगे हुए हैं लगनशील के साथ। यहाँ का जो मंजू देवी मेरी मम्मी है उनको विजय बनाएंगे और जितना रंगड़ा प्रखंड के मेरा भाई है और उनसे भी हम अनुरोध करेंगे और जोर शोर के साथ उनको विजय बनाए। और जितना भी होगा काम के सिलसिले में बात, काम हद से भी ज्यादा, जो कि शुरू से हम बचपन से पापा के साथ घूमते आए हैं, पापा हर एक क्षेत्र में घूमे हैं और पापा हर एक क्षेत्र में काम किए हैं। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई गली ही नहीं बचा जो कि मेरे लाइफ में हम अभी तक नहीं देखे कि मेरा पापा उस जगह पे नहीं गया है। मेरा पापा ऐसा है कि हर एक गली, हर एक गाँव में बुजुर्ग रहे, गरीब रहे, मोतबीर रहे, कोई भी रहे, उनका काम करने का काम किया है। और पूरा युवा इनको सपोर्ट में है, रंगड़ा प्रखंड पूरा सपोर्ट में है। जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट में जी। इतनी क्या कहना चाहेंगे चाचा? मुखिया चले नहीं, हमारा भेड़ जब घर नहीं लेकिन सब रास्ता बना दिल के हमें बड़ा खुश थे, बहुत खुश थे। हाँ, झड़ा फेर आजादी से जाए क्या राम। आप क्या कहना चाहेंगे? यही जो है, जो विकास हुआ है आप स्तर से बोलिए, जो विकास किया है सब जनता खुश हुआ है। इसके काम के अलावा इसको जो है सब चाहता है
कि काम के अलावा इसको जो है जिस समर्थन मिल रहा है मिल रहा है फुल समर्थन फुल समर्थन। आइए अब एक महिला से बात करते हैं। आपको पेंशन मिल रहा है? हमारा पति पेंशन मिले लक्ष्मी भाई पेंशन मिली नहीं सॉरी माफी चाहिए छे लक्ष्मी भाई पेंशन मुख्यमंत्री वाला पेंशन मिली रहो छे। हाँ जे बब्बा नाइ दर को छे हमरा पति का। हाँ हाँ तो मिल है कौन? अच्छा सुबह शाम बना दो। अच्छा अबरी बार फिर चुनावी दौर में छे सुबोध जी की लागी रहो छे? बढ़िया छे बढ़िया आदमी छे काम करी रहो छे समाज में समर्थन में छे ना? हाँ ठीक छे। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।